वेलकम आज हम क्लास बायोलॉजी के चैप्टर का पार्ट फोर पढ़ेंगे अब हमें पढ़ना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में ठीक तो है कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ठीक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि ना सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं फिर से बोल रहा हूं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आते हैं, जो कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं ना इनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए रहते हैं मतलब कोऑर्डिनेटेड रहते हैं अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो कई चीजें यहां पे पता चलेगी ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स

तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो है इनके फंक्शन ऊपर के जो सेल ऑर्गनल्स है ना ठीक है उनसे कोऑर्डिनेटेड या फिर जुड़े हुए नहीं होते हैं तो फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जिसे ईआर ER भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यू केरोटिकल रेटिकुलर स्ट्रक्चर तो देखो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद सेल्स की स्टडी हुई तो क्या पाया गया कि यूकेरटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ना कुछ टाइनी टाइनी मतलब छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और उनका क्या होता है नेटवर्क होता है और इसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक

हमें राइबोसोम नहीं मिलता है वो एस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर आप यहां से देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो आपको न्यूक्लियस के पास मिल रहा है हो गया, और न्यूक्लियर एनवेलप से क्या जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हैंडोप्लाजमिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलर स्पेस इंट्रासेलर स्पेस मतलब सेल के अंदर का जो स्पेस होता है तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना ये सेल के अंदर के स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है समझते हैं देखो इंटू टू डिस्टिंग कंपार्टमेंट पहला है लुमिनल मतलब इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल जो कि साइटोप्लाज्म होता है ठीक है तो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोजोम अटैच टू देर आउटर सर्फेस अब एंडोप्लाजमिक रेटिकुल के ऊपर आपको क्या मिलता है राइबोजोम

अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है protein synthesis और और के के में ठीक है 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 क्यों क्योंकि ऊपर जब जब तो तो वो बनता है RER, और जब ribosome है, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोटीन ही बनेगा है ना क्योंकि किसमें होता है प्रोटीन बनाने में दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस ऑफ द न्यूक्लियस अब ये जो आर है ये आपको कहां पे मिलता है न्यूक्लियस uh, की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा हुआ रहता है ये अभी हमने फिगर में देखा था ओके, okay, इसके बाद आता है अपना क्या मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड अब इस पॉइंट को हमें थोड़ा समझना है देखो एस की बात करते हैं एस क्या बनाता है लिपिट्स ठीक है और यहां पे ना एस एक लिपिड बनाता है जिसे बोलते हैं फॉसफो अब फॉस्फोलिपिड्स हमने कहा पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स हमें मिलता है प्लाज्मा मेंब्रेन में ठीक है ना तो जो प्लाज्मा मेंब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है वो कहां बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ठीक है इसके अलावा एक एक तो फंक्शन ये हो गया दूसरा फंक्शन क्या है जो एस होता है ना वो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है ठीक है ना लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये काम करता है इसके अलावा तीसरा आता है यहां पे क्या हम्म जो स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ना एक आपने सुना होगा मसल्स में होता है एक सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है मसल्स में ये एक्चुअली क्या होता है एक स्पेशलाइज एस होता है ठीक है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसका काम होता है क्या कैल्शियम को स्टोर करना मसल्स में होता है ठीक है और कैल्शियम फिर यहां है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में क्लियर ठीक है ये हो गया इसके अलावा एक और बात क्या है यहां अलावा hmm, इसका फोर्थ फंक्शन क्या होता है कि जो एसईआर होता है वो यहां पे क्या बनाता है स्टेरॉइड हार्मोन ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है जैसे कि टेस्टोटेर जैसे कि या इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी जो स्टेरॉयड हार्मोन निकलते हैं वो कौन बनाता है एस तो ये कुछ फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथे SER तो ये मैंने आपको बता दिया जो uh, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसे कौन सिंथेसाइज करता है SCR -E अब हमें पढ़ना है गोलगी एपरेटस के बारे में कैमिलो गोलगी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्वड डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस तो देखो यहां पे नाम आता है कैमिलो गोलगी का जिन्होंने 1898 में पहली बार गोलगी एपरेटस को ढूंढा था अब ये एपरेटस आपको ना न्यूक्लियस के पास मिलता है पहला तो एक ये हो गया। दूसरा स्टडी है। करते हैं तो, है? है। तो गोलगी एपरेटस होता है ये कलर को बहुत ज्यादा लेता है इसलिए यहां पे लिखा ये होता है और रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलर का मतलब होता है कि कैसा नेटवर्क की तरह ठीक है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे लेटर नेम गज आफ्टर हिम तो कैमिलो गोल्गी के नाम पर पे पे रख दिया गया इसका नाम गोल्गी बॉडीज ठीक है दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक से मतलब क्या होता है यहां पर बैग लाइक ठीक है और सिस्टंस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर टू वन माइक्रोमीटर डायमीटर अब सिस्टर्स क्या होते हैं ये होते हैं सिस्टर्स जैसे यहां पर बता भी रखा है ये क्या है ये सिस्टर्न है पूरा का पूरा एक सिस्टर्न फिर ऐसी ये दूसरा सिस्टर्न है तो इस तरीके से क्या होते हैं एक दूसरे से अरेंज होते हैं दीज आर टू अदर तो आप देख रहे हो यहां पे प्रेजेंट है ओके नंबर ऑफ आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स अब ये जो Golgi complex है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है गोल्गी एपरेटस इस है इसमें ना जो सिस्टर्न का नंबर होता है वो अलग अलग होता है किसी गोल्गी एपरेटस में आपको सिस्टर्न का नंबर ज्यादा मिल सकता है किसी में कम मिल सकता है

कंसेंट्रिकली अरेंज रहता है ये सिस्टम्स, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस और द फेस। अब ये जो चीजें हैं इसको हम एक फिगर की मदद से यहां पे समझेंगे तो देखो ये है एक डायग्राम जिसकी मदद से इस लाइन को हम समझेंगे और आगे का जो पूरा मैकेनिज्म है वो भी हमें यहां पे समझ में आ जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था कंसेंट्रिकली अरेंज है ना कंसेंट्रिकली अरेंज तो अगर आप इसको देखोगे इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो कंसेंट्रिकली लगेगा आपको इस तरीके से ना ऐसे ऐसे जैसे सर्कल होते हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं क्लियर ओके okay? अब आगे देखते हैं तो देखो ये है गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर अब इसमें यहां पर देखो ये है सिस और ये है फेज अब जो cis phase होता है उसे भी बोलते हैं इट्स शेप उसकी शेप कैसी है इस तरीके से तो ये ये कैसी हो हो गई गई ठीक है इसको forming phase भी बोलते बोलते हैं हैं हम समझेंगे कि क्यों इसके बाद ये ट्रांस फेज को कॉनकेव बोलते हैं ड्यू टू इट्स शेप ठीक है इस तरीके से तो ये हो गया कॉनवेक्स uh, और कॉनकेव सिस और ट्रांस या फिर फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरिंग फेज ठीक है अब यहां पे देखो हमें चीजें क्या समझनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है वो कैसे यहां पे फंक्शन करता है अब समझना इस बात को है देखो सबसे पहले यहां पे क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन भी बनता है लिपिड भी बनता है एग्जाम्पल लेते ले हैं प्रोटीन का अब जैसे प्रोटीन यहां पर बना ये प्रोटीन कैसा होता है ना इमेच्योर होता है ठीक है इसको मैच्योर होने के लिए जाना पड़ता है कहा गोल्गी एपरेटस के अंदर ठीक है समझना इस बात को तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये प्रोटीन बना अब ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके कहा जाता है गोल्गी के सिस फेस की तरफ को ठीक है ना तो जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकला अब ये प्रोटीन यहां ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ठीक है ना ये जो गोल सा मैंने बना रखा है क्या है ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर क्या है प्रोटीन प्रेजेंट है

और इस सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा ना वो कैसा होगा मैच्योर ठीक है ना बात समझ रहे हो ना शुरू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन सिक्रेट किया था वो कैसा था इमेच्योर था नॉन फंक्शनल था ठीक है वो फिर किसके अंदर गया ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर गया और ट्रांसपोर्ट वेसिकल उसे लेके गया कहा गोल्गी एपरेटस के सिस फेज में और फिर वो

पैकेजिंग पैकेजिंग करना packaging के साथ वैसे मोडिफिकेशन भी करते हैं ठीक है तो जो गोल्गी रहते हैं उनका काम क्या रहता है पैकेजिंग करना का और फिर जब मटीरियल पैक हो जाते हैं ना गोल्गी के अंदर फिर गोलगी ऑपरेटर्स uh, बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो दो जगह जा सकते हैं ठीक है जैसे समझा रहा हूं देखो यहां पे क्या है गोल्गी एपरेटस है गोल्गी एपरेटस के अंदर कोई भी मटेरियल जो है वो स्टोर हो गया अब ये मटेरियल देखो या तो ये सेल के अंदर ही कहीं पे यूज हो जाएगा मतलब इंट्रा सेलर टारगेट में चले जाएगा या फिर ये सेल से बाहर चले जाता है ठीक है ये मटीरियल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड जहां जाना है उसको मटीरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो मैंने बताया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल निकलता है जैसे प्रोटीन निकला ये प्रोटीन किसमें चले जाता है एक वेसिकल के अंदर चले जाता है जो कि कौन सा वेसिकल है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल ठीक है और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल किससे मिल जाता है फ्यूज विद द सिस विदेज ऑफ द गोल्गी एप्रेटस फिर ये देखो ना यहाँ पे सिस से जाके मिल गया एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज और फिर ये मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव कर रहा है ठीक है दिस एक्सप्लेन वाई गोल्गी एप्रेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विदोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए जो गोल्गी uh, एपरेटस होता है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत क्लोज एसोसिए एसोसिएशन में रहता है मतलब पास रहता है ताकि क्या हो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल निकले वो कहां चले जाएल हो, हो, और, और हो जाए और मैच्योर भी हो जाए गोल्गी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज तो मैंने आपको क्या बताया मान लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो रफ रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनेगा ना वो प्रोटीन कहां चले जाता है सिस्टर्म में ठीक है ना ये क्या है ये सारे ही तो हैं और सिस्टर्न में सिस फेस फेस से से एंटर करेगा और फिर ट्रांस फेस से बाहर निकल जाता है है ठीक गोल्गी इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड्स अब गोल्गी एप्रेटिस का एक और काम क्या होता है कि यहाँ पे ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड्स बनते हैं जो कि सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये आपको वैसे उसमें भी मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ठीक है अब यहां पे चलो ये तो थी नॉर्मल चीजें अब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं और इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं देखो आपने पढ़ा होगा पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होता है उस बीटा सेल से क्या बनता है इंसुलिन बनता है ठीक है जो कि एक हॉर्मोन होता है अब आपने क्लास ट्वेल्थ में ये पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में कि जो इंसुलिन होता है ना वो नॉर्मली पहले कैसा होता है प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन मतलब ये इनएक्टिव इंसुलिन होता है ये काम का नहीं होता इंसुलिन ठीक है फिर ये जो प्रो इंसुलिन है मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यह काम करता है ठीक है यह सब सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी पहले अब यहां पे हम समझते हैं देखो जो पेनक्रियाज उसमें बीटा सेल होता है और बीटा सेल के अंदर हमें मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह प्रोटीन बनाता है और यहां पे कौन सा प्रोटीन बनता है इंसुलिन बट लेकिन जो इंसुलिन यहां पे बनता है वो पहले होता है प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव इंसुलिन जो कि मैच्योर नहीं होता है अब जो प्रो इंसुलिन होता है ना उसमें तीन चेन होती है जैसे ए चेन बी चेन एंड सी चेन ये तीन चेन होती है ठीक है तो अब क्या होगा आर आर से प्रो इंसुलिन बना ये प्रो इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर चले गया और यहां से होते हुए गोल्गी एपरेटस में चले गया अब गोल्गी एपरेटस में जैसे ही ये प्रो इंसुलिन गया तो गोल्गी एप्रेटस के अंदर क्या होगा ये जो सी चेन है ना सी चेन वो प्रो इंसुलिन से हट जाएगी ठीक है तो अब जैसे ये सी चेन हट जाती है तो ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर इंसुलिन में जिसमें सिर्फ ए और बी चेन रहती है ठीक है तो इस तरीके से यहां पे इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो गोल्गी गोलगिया से जो भी मटेरियल निकलते हैं या तो वो सेल के अंदर यूज हो जाते हैं या सेल से बाहर चले जाते हैं अब इंसुलिन जो है वो सेल के बाहर ही जाएगा क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो सेल के बाहर है तो इसलिए इंसुलिन कहां चले जाता है ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल ठीक है आई थिंक आपको समझ में भी ये आ गया होगा ये वाला टॉपिक क्योंकि ये काफी मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला चीज ठीक है आगे पढ़ते हैं अब हमें पढ़ना है लाइसोजोम के बारे में दीज आर बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस देखो ये गोल्गी एपरेटस है इस गोल्गी एपरेटस में सिस होता है ये ट्रांस फेज होता है और यहां पे क्या आती है ये आती है आपकी जो ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसिकल होती है

उंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलैटिक एनजाइम्स अभी जो, जो लाइसोजोमल वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर आपको क्या मिलते हैं हाइड्रोलैटिक एनजाइम्स जिन्हें बोलते हैं हाइड्रोलेजेस में आते हैं ठीक है lipases, proteases, carbohydrates, ना लाइपेजेस किससे तोड़ेगा लिपिट्स को प्रोटेजेस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट carbohydrate को ऑप्टीमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच और ये जो एनजाइम्स uh, होते हैं ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स तो ये इन सबको क्या कर सकते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं अब लाइसोजोम को एक और क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग बैग मान लो अगर ये सेल के अंदर बर्स्ट कर गया ठीक है एक सेल है इस सेल के अंदर ये लाइसोजोम है ये लाइसोम अगर बस्ट कर गया तो क्या होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सारे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे और साइटोप्लाज्म में जो भी लिपिड होगा प्रोटीन होगा कार्बोहाइड्रेट होगा न्यूक्लिक एसिड होगा वो सब खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से सेल की भी डेथ हो जाएगी यहां पे इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं तो अब हमें पढ़ना है वैक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा था वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं और देखा भी था The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. तो vacuole के चारों तरफ आपको क्या मिलती है Membrane मिलती है It contains water. ठीक है इसके अंदर water मिलता है Sap मिलता है Sap क्या होता है जो आ, uh, liquid part होता है cell का ठीक है इसके अलावा excretory products इसमें मिलते हैं जो कि वेस्ट होते हैं एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल तो जो भी मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं होते वो वैक्यूल में मिलते हैं

फेसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आय एंड अदर मटर अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन टू द वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, है, है? है. हो टोनोप्लास्ट हो गई तो उसने क्या बोला उसने बोला कि कई सारे आय ठीक है और जो मटीरियल होते हैं वो अगेंस्ट again, अगेंगे कहा वैक्यूल में अगेन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि इन आय की यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है बट लेकिन वैक्यूल के अंदर ज्यादा है तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ये मूव करते हैं ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ हेंस देयर कंसेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई इन द वैक्यूल तो वैक्यूल में आय की और ये जो मटेरियल अंदर आते हैं ना इनकी कंसेंट्रेशन क्या रहती है ज्यादा रहती है देन इन द साइटोप्लाज्म है ना साइटोप्लाज्म में कम कंसेंट्रेशन और अंदर

तो जैसे वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं तो प्रोटेस्ट के अंदर क्या बनता है एक फूड वैक्यूल बनता है और उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है फूड स्टोर हो जाता है उसका डाइजेशन वगैरह वहां पे होता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं कल हम पढ़ेंगे माइटो को ओके बाय बाय